मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सब अच्छे हो? वही क्या सर? सब अच्छे यस हो? सर. सब कोई अच्छे हो ना? हाँ सर. हाँ तो आपका क्या हाल है सर? बस मैं भी ठीक हूँ. पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रहा है घर पे? यस सर. बट जितना एफर्ट देना चाहिए उतना दे ही नहीं पा रहे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा. अच्छा, उधर का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डे टू डे? हाँ सर, उसी के लिए सर. तो ना तो उधर दे पा रहे हैं ज्यादा टाइम, ना ही इधर दे पा रहे हैं. सर कब तक एग्जाम लेना चाहिए? सर तो एचओडी सर तो बोल रहे हैं कि आई थिंक अगस्त का फर्स्ट वीक या फिर जुलाई का लास्ट वीक मिलेगा. तो पॉसिबल है खत्म होने का? खत्म हो जाएगा सर सिलेबस इतना दिन में, 1 महीना? देखो, अगर सोचो तो खत्म हो जाएगा और नहीं तो फिर नहीं होगा. सो वो तो है अलग बात, बट इसमें खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि नहीं होगा, सर नहीं होगा ना. नहीं. बट चलो हम लोग करते हैं ना, जहां तक होता है कोशिश करते हैं यस सर. ना. अब उसको सोच के तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग. जितना क्लास मिल रहा है हम उस क्लास को उतना इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़े. यस अब इसका कोई मतलब यस थोड़े सर. होता है कि अब सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी वजह से हम लोग कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं और कंप्लीट कर दिए. ये भी तो फिर गलत है. यस सर, हमें समझ में ही नहीं आएगा और खत्म हो जाए तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं है ना सर. कोई अभी भी वेटिंग में है क्या? देख लेता हूँ. किसी दिन ऐसा कर दिया था मैं. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. कल हम लोग देख रहे थे TQM. ठीक है, टीक्यू का मतलब हम बता चुके थे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, टोटल का मतलब है ओवरऑल. क्वालिटी का क्या मतलब है कल बार बार पूछ रहे थे हम, लेकिन तुम लोग कोई बता नहीं रहा था. किसका? क्वालिटी क्वालिटी. सर क्वालिटी एक्सीलेंस जो चाहिए किसी भी एक व्यक्ति को सर, गुड. किसी जो क्वालिटी. भी ऑब्जेक्ट में या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें उसको क्या चाहिए? एक्सेलेंट चाहिए, अच्छा चाहिए, बेस्ट जो होगा उस चीज़ का मतलब उसमें वो चीज़. ठीक है, मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे हर एक चीज़ को, उसके अंदर में कौन कौन से आते हैं, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन्वॉल्विंग, प्लानिंग, सब चीज़ का मैनेज हम लोग किस तरह से करेंगे. ठीक है. यस सर. TQM के अंदर में चार चीज इन्वॉल्व होता है, चार स्टेप्स हैं, जो कि है PDCA, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. ठीक है, जो राइट साइड के फिगर में इधर दिया हुआ है कि TQM के ये चार हम लोग एनालाइज करने के लिए कि TQM अगर हम लोग कहीं पे, TQM का मतलब ये है अगर कहीं पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं TQM का, उसका मतलब ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना हम लोग को, कस्टमर को एक वो वाला फीलिंग आना चाहिए जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं. हाँ, ये अगर पेंसिल भी बना के दिए ना तो हाँ, पेंसिल में पकड़ने का एकदम अच्छा होना चाहिए, ग्रिप अच्छा पकड़ रहे हो, फिर लिखने में स्मूथ लग रहा है उसको, मतलब जो प्रोडक्ट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें उसको यूज़ करके
अंदर से वो वाह वाली फीलिंग आना चाहिए, हाँ क्या मज़ा आया। ठीक है, TQM का मतलब यही है ना, जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो वो सब के लिए हम लोग को बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें से एक छोटा सा स्टेप्स है TQM का, PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट। देखो बताया है टी का मतलब है टोटल, मतलब होल क्वालिटी में डिग्री ऑफ एक्सेलेंस या प्रोडक्ट और सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक मैनर ऑफ हैंडलिंग कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, जो भी चीज़ हम लोग वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसको किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। TQM इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल ऑफ द अचीव एक्सेलेंस। ठीक है, TQM क्या है, जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं वो एक्सेलेंस हो किस तरह से, उसको कैसे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, यही हम लोग का TQM है। उसके अंदर में कॉन्सेप्ट स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स हैं ये, प्लान डू चेक एंड एक्ट। प्लान का मतलब है डिफाइन एंड एनालाइज ए प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज, कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, उसकी खामियां ढूंढनी है। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो मार्केट में हम लोग बेचने जा रहे हैं और आदमी उसका ऑप्शन ढूंढ रहा है, मतलब कि नहीं इससे बेटर प्रोडक्ट ये है, तो उसमें ज़रूर कुछ खामियां हैं, तभी तो उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, आदमी नकार रहा है। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये तुम लोग को स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। वॉइस अच्छा आ रहा है? यस सर। हाँ, तो प्लान का मतलब क्या है, सबसे पहला जो हम लोग का TQM के जो स्टेप था उसमें था प्लान। प्लान का क्या मतलब है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है उसको सबसे पहले एनालाइज करके उसका जो बेड ये है प्रॉब्लम्स है उसको फाइनलाइज करना, या तो फिर अगर अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना मार्केट में है। ठीक है, तो इसके जो रूट कॉज है पहले उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको हम लोग रखते हैं प्लान में पहला। ठीक है, उसके बाद डू, डिवाइस ए सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स है या फिर हम लोग का प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नहीं बिक रहा है, मार्केट में उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, वो पता चल गया तो हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या इसमें कर सकते हैं, है ना। जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुने हो ना, एक एक नहीं सर, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, क्या एग्जांपल दें, लस्सी पिए हो तुम लोग? यस सर। यस सर। लस्सी पिया है तो अभी अभी जो नया वाला लस्सी आ रहा है वो नहीं, मतलब जिसमें स्ट्रो लगा रहता है उसमें हम लोग पीते हैं वो लस्सी नहीं, जो पहले प्लास्टिक के अंदर पाउच में आता था वो लस्सी पिए हो? यस सर। वो लस्सी पीते थे तो क्या करते थे हम लोग, जैसे दांत से एक 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 क्या करना पड़ता था, दांत का कोना पे जाके उसको काटना पड़ता था, फिर वो निकल के आता था हम लोग का, फिर हम लोग पीते थे उसको। यस सर। जब दांत में काट रहे होते थे ना तो एक टाइप का डर लगा हुआ रहता था कि कहीं ये छिटक के मेरे सट पे ना आ जाए, फटने का भी चांस रहता था, फटने का भी चांस रहता था, यहाँ फट गया तो पूरा मेरा शर्ट पैंट सब चीज गंदा हो जाएगा, मेरे पास जो भी चीज है वो गंदा हो जाएगा। लेकिन क्या किए, उसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, उस डिजाइन में थोड़ा सा, पहले का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट रहेगा, उसके डिजाइन में थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे हम लोग और उस प्रोडक्ट का मायने ही चेंज हो जाता है। उसके एक कॉर्नर में क्या लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया और एक ये लगा दिया, अब खुलेगा क्या, वो ढक्कन के थ्रू खुलेगा। देखे हो आजकल का जनरली पाउच में इस तरह का रहता है ना, सॉस वगैरह में भी रहता है, नीचे प्लास्टिक का ही है लेकिन उसके कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है,
उसी तरह का अगर इसमें भी क्या करता, जो पाउच था प्लास्टिक का ही पाउच रहे, लेकिन उसने एक कॉर्नर पे हेलो यस सर, अब आ रहा है आवाज। अरे नेट चला गया था, अचानक से नेट गायब हो गया था, हम आप करे तो करे क्या सोच रहे हैं। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है आवाज, अब आ रहा है सर। तो हम कहाँ बता रहे थे, तो लस्सी का जो कॉर्नर वाला जो पोर्शन होता है ना, उस पर एक ढक्कन लगा दिए, तो अब क्या है, अब वो पूरा डर खत्म हो गया। अब आदमी पहले वाला जो था उसको प्रिफर ना करके, या फिर ये क्या किया, कोई दूसरा कंपनी वाला आइडेंटिफाई किया उसके प्रॉब्लम्स को, कि लस्सी जो बेच रहा है उन लोग में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना हम एक जो दूसरा कंपनी वाला है वो क्या किया, किस तरह का लेके आया, मार्केट में उतार दिया। आदमी किसको प्रिफर करेगा, जिसमें कैप लगा हुआ है उसमें प्रिफर करेगा। दाम भी सेम है, कोई कोई ज्यादा दाम नहीं है, वही सेम दाम है, क्योंकि जो बना रहा है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है उस चीज में, ठीक है। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा बिकेगा उसको, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशंस सेकेंड नंबर हम लोग का। उसके बाद चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे हम लोग कि जो हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढे हैं क्या ये एग्जैक्ट वर्क होगा, काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग को आउटकम्स दे रहा है कि नहीं, हम लोग जो सॉल्यूशंस ढूंढे हैं वो आउटकम्स देने वाला है या नहीं, कि हमको फिर से बैक जाके फिर से दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। जो मेरा इशू था उसका जो सॉल्यूशंस निकाले वो काम वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो प्रॉपर वर्क करने लग गया चेक करने के बाद, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, उसको एक स्टैंडर्डाइज बना देंगे हम लोग, और उसको हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, और उसको अब हम लोग मार्केट में ये करेंगे। तो ये रेगुलरली चलता रहता है, ठीक है। प्लान डू, हाँ कुंजी, ठीक है, हम लैब थ्री में क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे नेट है। ठीक है, तो जब वो चेक हो जाएगा, हम लोग का सोल्यूशन बन जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको फाइनलाइज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये क्या रहता है ना, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है मोहित। यस सर, की एलिमेंट्स ऑफ TQM, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कमिटी कमिटमेंट एंड सपोर्ट, जो ऊपर के लेवल के आदमी रहते हैं टॉप मैनेजमेंट के, जैसे CEO, उन लोग जो कमिटमेंट कर दिए हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट होना है, उसको लोग पूरा करेंगे। अगर कस्टमर को कोई चीज़ बोल दिए हैं कि नहीं ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ वो कंपनी क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को भी इन्वॉल्व करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, है ना, या फिर थ्रू कमेंट्स, थ्रू फीडबैक, थ्रू यूज़ जो कर रहे हैं उन लोग के पास हम चले जाएं, है ना। आजकल तो बहुत तरह का होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट खरीदे हम लोग, उसका देखना, उसका आता है फीडबैक देने के लिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, रिव्यू देने के लिए आता है, 1, 2, 3, 4, 5 में क्या कौन सा आप स्टार देना चाहते हैं, रेटिंग मांगता है सर, रेटिंग देना पड़ता है। तो ये क्या है, कस्टमर का रिव्यू है ना,
अगर कस्टमर किसी चीज को बैड रिव्यू दे दिया है तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को बेटर करने का कोशिश करेगा। तो टीकियो में ये भी एक बहुत मायने रखता है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा हम लोग को। इम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस, ठीक है, इम्प्लॉई का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। टीकियो अगर हम किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं तो इम्प्लॉई का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? सपोज इम्प्लॉई क्या कर रहे हैं, चार आदमी इधर काम कर रहे हैं, चार आदमी उधर काम कर रहे हैं, चार आदमी उधर काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि उधर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उधर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, अरे अपना बन रहा है यार, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का भी ये एक ये होना चाहिए कि जो हमारा जो इम्प्लॉई है उन लोग को भी मैं सबको समेट के रखूँ, सबको इसका बेनिफिट बताऊँ कि आप हमारे प्रोडक्ट जो बना रहे हैं इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से ये करेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से मार्केट में ले जाएंगे तो ये आपका भी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी हम क्या करेंगे, इस साल जितना बेनिफिट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम अगले साल आपको भी प्रमोशंस देंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम आपको अवार्ड देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन रखेंगे जहाँ पे आपको एक मेडल मिलेगा। तो इम्प्लॉई भी क्या होगा, उसके अंदर में इन्वॉल्व होगा, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसमें ज़्यादा फोकस करेगा कि नहीं यार इसमें हम जितना अच्छा करेंगे मेरे को उतना ही बेनिफिट हमको कंपनी से मिलेगा। तो इसमें दोनों को फायदा है, कंपनी भी फायदा है और इम्प्लॉई को भी फायदा है। कंपनी बोलेगा यार छोड़ा नहीं यार, उतना क्या करना है, इतना पैसा कौन देने सकेगा, जो चल रहा है चल रहा है। तो देखना वैसे कंपनी में वर्कर भी वैसे ही काम करते हैं, छोड़ो नहीं यार कितनों काम कर दो तो ये लोग पैसे देने वाले नहीं है, इन लोग इंक्रीमेंट देने वाले नहीं है, क्या काम करना है यार, चलो खिंचा बेटा नजर, उस कंपनी का प्रोडक्शन भी वही रहेगा। लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लीडर ही आपको अगर इनकरेज नहीं कर रहा है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे प्लान जो प्लान किए हैं उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे हैं तो इम्प्लॉय को क्या, इम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा थोड़े पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर टॉप मैनेजमेंट में क्या क्या फैसला लिया गया, ठीक है। तो लीडरशिप एक बहुत मायने रखता है। कंपनी वाइड क्वालिटी कल्चर, इसको वही जो थर्ड नंबर वाला है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग का जो क्वालिटी है इसको हम लोग कल्चरल बनाए पूरा, मतलब ये में कंपनी में या फिर कस्टमर के साथ, है ना, सब चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहे, इंटरनेट में इन्वॉल्वमेंट रहे, फेसबुक में रहे, ये में रहे, सब जगह से मतलब इसको हम लोग फ्रेंडली बनाएं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर में कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, कंपनी से बाहर गया तो उसकी बुराई करने लग गया, ठीक है। कंपनी में जब तक है तब तक वो काम अच्छा कर रहा है, उसके बारे में अच्छा बोल रहा है, लेकिन बाहर निकलने के बाद नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ठीक है, ये कल्चर देना चाहिए उन लोग में कि हमारा जो चीज़ है वो है और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक पार्टिकुलर, हाँ अभी बहुत बिक गया हम लोग का, अब बहुत बिक गया अभी, ठीक है, अब तो हम लोग का ये बनी गया है, ब्रांड बनी गया है, अब क्या है बिकेगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती है ना, नोकिया डूब गई ना, नोकिया, एलजी मोबाइल, ये सब इन लोग कॉन्स्टेंट हो गया, नहीं एक प्रोडक्ट इन लोग अपना ब्रांड बनाया दिए इसको कॉन्स्टेंट रह गए, अरे उसके बाद अच्छी अच्छी रैम आने लगी, ज्यादा रैम आने वाली लगी, उसका जो ये है प्रोसेसर है वो बेटर आने लगी, क्यों लेगा तुम्हारा वही दाम पे, इस सब में वो लोग वर्क ही नहीं किए, एक साल पीछे होता गया, दो साल पीछे हो गया, तीसरा साल वो लोग बंद होते गए कंपनी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपका कितना अच्छा चीज है, लेकिन आप जब तक उसको मतलब टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट। फाइनली सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही है, हम लोग का प्रोडक्ट है, उसको हमको क्या दिलाना है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन दिलाना है, डिलाइट, मतलब अंदर से वो फील आए उसको यूज़ करने के बाद, वाह क्या प्रोडक्ट था ये, मज़ा आ गया, साबुन को लगा के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हम आज। तो ये की एलिमेंट्स थे TQM के। ऐसे तो बुक्स में बहुत दिया हुआ है, 22, 23, 25 को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेन था, इसको ये कर सकते हैं। सर ये तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद होता है ना टोटल TQM का? नहीं 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 सर, तो फिर बन रहा है उसी टाइम पे। अभी जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अभी मेरा कोई सपोज एक कंपनी है बिस्किट की, ठीक है, प्रोडक्ट चल रहा है, अभी हम चाहते हैं कि इसमें TQM इम्प्लीमेंट करना चाहें, यस सर, ठीक है। तो बहुत सारा हमको पैरामीटर्स मिलेगा उसके साथ, वो जो हम स्टेप दिखाए ना, उस स्टेप के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स मिलेगा, प्लान करने के लिए इतना सारा पैरामीटर्स, डू करने के लिए इतना, चेक करने के लिए इतना सारा पैरामीटर्स। तो उन पैरामीटर्स में हमको खड़े उतरते हुए आगे बढ़ना होगा, जो पहले प्रोडक्ट बना रहे थे उसको अब इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, किसके अकॉर्डिंगली, TQM के अकॉर्डिंगली, ओके ठीक है सर। तो उसमें तो फिर फूड इंस्पेक्शन के लिए भी आ जाएगा ना, जैसे किसी सब, भी सब, अलग अलग एलिमेंट का बना रहा है, सब चीज़ आएगा उसके अंदर में ना। आप जैसे क्या कर रहे थे पहले, अगर हम लोग बिस्किट बना रहे तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाए और चले गए है ना बेचने के लिए, जैसे गांव में अभी बेचते हैं ना, हाँ बनाता है पावरोटी, उसको घुंटी में ले जाके साइकिल उकिल में दे देता है। तो क्या होता है ना, आप थोड़ी सी बड़ी कंपनी में जाओगे, अच्छी कंपनी में जाओगे जो बिस्किट बनाती है, तो वो क्या करता है ना, स्टेट लेवल के जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, उन लोग को वो इनवाइट करते हैं या फिर उन लोग को बुलाते हैं कि आप देखिए मेरा यहाँ का ये है, फिर वो उसका टैग लगाता है, नहीं समझा? यस सर, उसका टैग लगाता है, ISF कुछ कर जाता है, उसका टैग लगाया कि नहीं देखो ये जो मेरा बना हुआ खाना है ये इस ये का प्रोडक्ट का ये सेटिस्फाइड है, FSSAI वाला। हाँ, उसके बाद सेंट्रल लेवल में होता है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत हाई लेवल की है, वो सेंट्रल लेवल का जो है उसको बुला के लेके आएगा, उसके बारे आदमी को बताएगा मेरा जो ये है वो सेंट्रल लेवल से मान्यता प्राप्त है, या फिर वहाँ से जो ये किए हैं उन लोग हम लोग को बहुत अच्छा बोल के गए हैं। तो क्या मार्केट में एक अलग इमेज बनेगा ना उसका, जब भी जाएंगे नहीं 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 ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट मत खरीदो। यस सर, तो इस तरह की चीजें हैं। इसके बाद है सिलेबस में एक चीज और कुछ था क्या इसमें, पिलर्स ऑफ TQM, क्रिएशंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, ये सब पिलर्स हैं इसके, फोकस ऑन कस्टमर ऑब्जेक्टिव में जो तुम लोग को ये मैं बताया वही चीज को यहाँ पे थोड़ा सा और एलिबरेट करके बताया हुआ है, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, दे देंगे इसको भी हम तुम लोग को। उसके बाद एक था 5S है ना सिलेबस में, देख लेते हैं थोड़ा। यस सर, एक 5S था, क्या है सर? 5S और 6 Sigma। TQM किधर है, कीजेन भी है ना, कीजेन जापानीज। हाँ हाँ सर, कीजेन भी है, 5S भी है और 6 Sigma भी है सर। कीजेन 5S और 6 Sigma। Five S refers those 5 Japanese word which have been translated into English language. They start with letter S
and are the name of the methodology. It is characterized as standardized cleanup. 5S gives the idea of managing the work space and improve its efficiency. Following are the important points in respect of 5S. एक सेकंड में आ रहा हूँ थोड़ा सा लाइट जला। तो 5S क्या है? 5S refers those 5 Japanese words which have been translated into English language. They start with letter S and are the name of the methodology. It is the characterized and as standardized cleanup. 5S gives the idea of managing the workspace and improve its efficiency. कौन से 5 words थे ये नहीं बताया ना इस बुक में? बुक में दिया हुआ है 5 वर्ड्स दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। शेयर करो तो मैं एक सेकंड ये करता हूँ अगर है तेरे पास। एक मिनट सर आपको हम भेज देते हैं फोटो खींच के। नहीं शेयर करो ना देख लेता हूँ। यहाँ से शेयर का ऑप्शन कहाँ है? शेयर स्क्रीन में दे रहा है क्या? मल्टी पार्टिसिपेंट शेयर हो रहा है सर मेरा। शेयर करें? हाँ करो, कर दिए हैं तो हम ये सबके लिए। ओके क्लियर भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये करो जूम करो। दो इसमें और नेक्स्ट पेज में दूसरा दो है। इसको कल करें क्या? हाईपेस थोड़ा सा मैं देख लूंगा अच्छे से। ओके सर। सर स्टॉप कर दे स्क्रीन। हाँ कर दो। एक है किजेन, वो भी जापानीज वर्ड है। किजेन का मतलब है ऐसे, इसको यूज़ करते हैं हम लोग वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, किजेन इज ए जापानीज टेक्निक। किजेन वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम टू करेक्टर्स। पहला है की, के ए आई। किजेन कैसे लिखा हुआ है हम बता रहे हैं, इस तरह का लिखा हुआ है। किजेन का जेड ई एन किजेन। ठीक है, तो ये एक जापानीज टेक्निक है जिसमें दो वर्ड हैं की एंड जेन, के ए आई एंड जेड ई एन। ठीक है, की मीन्स चेंज, की का मतलब होता है चेंज एंड जेन का मतलब होता है गुड। व्हेन दिस इज टेकन टुगेदर इन वर्ड इट मीन्स इम्प्रूवमेंट। इन 1980 किजेन बिकम्स पार्ट ऑफ जापानीज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट।
ये 1980 में जापानीज मैनेजमेंट का आधार बना था. वेस्टर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स यूज्ड दिस टर्म इन मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट फॉलोइंग आर द इम्प्रूवमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑफ किजन्स. मतलब ये जो भी चीज था किजेंस, 5S, 6 सिग्मा, ये सब क्या है ना, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के एक अलग अलग मेथड्स है. ठीक है, जैसे TQM था हम लोग के लिए, वैसे ही वहाँ के लिए क्या है, ये किजन था जो कि क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये एक मेथड्स बनाया गया था. ठीक है, वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए. सर, इसको इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया किजन को? नो आइडिया. सर बोल रहे हैं कि इंडिया में किजन को कब इम्प्लीमेंट किया गया, या फिर जो 5S है वो सबको. नहीं, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है इसके बारे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है. ओके सर, देख के बताएंगे, खोज के बताएंगे अगर मिलेगा तो. तीन चीज को नेक्स्ट डे कराएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा देख लेंगे उसको. ठीक है, 5S, किजन एंड 6 सिग्मा. असाइनमेंट तुम लोग को मिल रहा है क्या अदर सब्जेक्ट में? यस सर. यस सर, मिल रहा है सर. लोड है अभी तुम लोग को? है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, क्योंकि है पर उतना अटेंडेंस भी नहीं है सर. अटेंडेंस लो, अटेंडेंस लो. ये मोहित अटेंडेंस लेके भेजो तो बाबू. ले लिए सर. ठीक है, ले लिए सर. तो कहने का मतलब है कि तुम लोग को बाद में भी लिखवाना पड़ेगा, अभी भी लिखवाना पड़ेगा. तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा देंगे अगर ऐसा अगर होगा तो. और तुम लोग को अभी छोटा छोटा करके दे दीजिए सर. हाँ, अगर लोड है तो छोड़ देंगे अभी. नहीं सर, थोड़ा थोड़ा देते जाइए. सर अभी सिर्फ एक है सर, आप सर धीरे धीरे देते जाइए, छोटा छोटा हो जाएगा. तो आज तुम लोग को सारे चीज का नोट्स पहले दे देते हैं, बहुत दिन से सब मांग रहे हो. यस सर, नोट्स दे दीजिए सर. सर मॉडल में तो अभी अटेंडेंस नहीं ना होता है? नहीं. क्या तुम लोग दे रहे क्या किसी सब्जेक्ट का? नहीं सर, किसी सब्जेक्ट का नहीं बांट रहा. कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ बाकी सब्जेक्ट का? सर सबके का इसी यही हाल है सर. एक दो सर, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट का ही सबसे ज्यादा आप लेके जा रहे हैं स्पीड में. स्पीड में तो नहीं लगे हैं, स्पीड लाने क्या सर? मतलब एक नहीं सर, स्पीड उतना नहीं है, बट एक जो है ना सर, और क्या अपेक्षा, ये सबसे ज्यादा भागा हुआ है सर. क्योंकि स्पीड तो नहीं लाए हम लोग का, पूछ के आगे बढ़े. यस सर. सर एक्चुअल सब सब्जेक्ट में ना सर, बड़ा बड़ा चैप्टर, सेकंड चैप्टर को बड़ा बड़ा दे दिया है. उसी के लिए और ठीक है, वो सब अभी ब्रांच पेपर है, अच्छे से करो सबको, वही ठीक है. सर हम लोग का एग्जाम कब तक होने के चांसेस है? पहले होने होगा, होने का चांसेस है कि नहीं ये पहले पूछें. एग्जाम होगा, अगर होगा तो जुलाई में. एग्जाम तो कंडीशन देख रहे हैं अभी का कंडीशन.
फिर रूट बदल रहा है सर। तुम लोग को बोले थे उधर ज्वाइन करने के लिए मैनेजमेंट का क्लास किया था कोई मोहित? हम किए नहीं थे, हम बोले थे कि लिंक लेंगे लेंगे लेंगे, लेते लेते सर दो दिन तीन दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं दिया उधर से। वो जो है अदर ब्रांच में पतंजलि लोग, तुम लोग का ही ब्रांच का है ना? हाँ सर, उन लोग सीएस yes, का है। हाँ सीएस का है सर पतंजलि। अरे सीएस का है, सब सब ब्रांच का ये मैनेजमेंट रहता है। हाँ, हम ही लोग का बैच का है। हाँ इसी में तो बोला, तुम्हारा बेच का जो अदर ब्रांच का बच्चा है वो लोग से लिंक मांग लो, कैसा हो रहा है ये तो पता चलेगा ना। ठीक है, या फिर एटलीस्ट पूछो तो मैनेजमेंट वाला का नोट्स वगैरह दिए हैं तो अच्छा है ना, क्योंकि इसमें हम लोग का प्रॉब्लम आने वाली है ना, ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही मेरे लिए न्यू है। सब पढ़ाते हैं तो लगता नहीं है कि आपके लिए न्यू है। नहीं है भाई ऐसा नहीं है। तो अगर मतलब सोर्सेस अगर कहीं से अच्छा मिलता है तो उस पर संकोच नहीं करने का है, कौन पढ़ा रहा है क्या कर रहे हैं, नहीं समझे मैडम? सर अदर ब्रांच में कौन पढ़ा रहा है मैनेजमेंट? भाई बाहर की कोई मैडम है, इसीलिए तो बोले कि मतलब उधर भी कंसल्ट में रखो कि अगर उधर मौका मिलता है तो उस क्लास में भी ज्वाइन कर लेने का, क्योंकि हम सुमित सर से बात किए थे। सर उसका लिंक कौन देगा हम लोग को? उसका लिंक मैडम देती है एचओडी लोंग को। ठीक है, एचओडी लोंग अपने स्टूडेंट के ब्रांच में देते हैं बीच में से, तो तुम लोग को एचओडी से लेने का जरूरत नहीं है। तुम लोग जो अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उन लोग से कंसल्ट करके ले सकते हो ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि देखो तुम लोग को अगर वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तुम लोग को लग रहा है कि नहीं तुम लोग को समझ में अच्छा से आ रहा है तो उसको भी करो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, मैं ये कह रहा हूँ बस। बाकी मेरे से जितना होगा मैं तो इधर से कराऊंगा, ऐसा नहीं कि हम तुम लोग को छोड़ देंगे। ठीक है यस सर। और एचओडी सर कुछ पूछ रहे थे कितना सिलेबस हुआ नहीं हुआ, पढ़ा रहे हैं कैसे क्या? ठीक है, स्टॉप हो जाएगा तो ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू सर।